काम हुआ है, वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं वो चेक करते प्रैक्टिकली एक बार। ये अभी काफी जाम हो चुका है, मिल्टन का ये मॉप है, पहले एकदम फ्री घूमता था ये, बट अभी काफी जाम हुआ है कुछ महीने यूज करने के बाद। सबसे पहले हमें इसको खोलना है, इसको आपको दिखाने के लिए हम पहले से ही थोड़ा सा लूज करके रखे थे इसलिए आराम से निकल जाएगा। ये चार खांचों में से निकल गया है, इसको निकाल दिए। उसके बाद ये जो है अभी भी काफी ज्यादा टाइट जा रहा है, ये इसको निकाल लेते हैं अभी हम। ओके, ये निकल गया। अब सबसे मेन है इसको निकालना, ये काफी अंदर तक धंसा होता है, तो इसको निकालने के लिए आप कुछ पकड़ वगैरह होगा तो उससे निकाल सकते हैं, या फिर आपको हम देसी जुगाड़ दिखा देते हैं एक। ये अपना ऐसा एक रस्सी ले लीजिए, घर पे होता है वो सा, डबल ट्रिपल कर लीजिए उसको, एंड आदि से है ना, इसको ऐसा करके ऐसा कर लीजिए, ये बन जाएगी एक गांठ। इसको इसमें, ये इतना आसानी से नहीं निकलता है क्योंकि उस पर पकड़ बनती ही नहीं है, कपड़ा भी लगा के देखेंगे तो भी इतना आसानी से नहीं निकल सकता है, ट्राई करके देख सकते हैं। इसको यहाँ पे फंसा देंगे और इसमें डाल देंगे पैर, और इसको हम ये नीचे के पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए, इसको मैं लूज करता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। ये जो नीचे का पॉइंट है ये वाला, इसमें ये रस्सी को हम फंसा देंगे, ये वैसा अबरी अबरी, और इसको हम ऐसा खींच के निकाल लेना है। और अब सब चीज़ों को ये क्लीन कर लेना है हमें, ये देखिए इस पे ये सब चीज़ इस पे जम गई है इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर भी उसी टाइप का है, साइड से वगैरह पूरा अंदर तक, इसको हम अभी करेंगे क्लीन। इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे प्लस इसको भी, अपने पास ऑयल है हम इसका यूज़ करेंगे इसके लिए, इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और पहले क्लीन कर लेंगे इसको अच्छे से। उसको तो हमने साफ कर लिया, इसको एक बार अंदर से साफ कर लेंगे। कपड़े में कोई भी चीज़ अगर नुकीली होगी तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर टेस्टर वगैरह कुछ होगा तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके लिए। अपना पर्पस बस इतना ही है कि इसको अंदर से अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार का काला अंदर से निकल जाएगा, देख सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही क्लियर हो चुका है, क्लीन हो चुका है। लगाने से पहले इसमें एक बार ऑयल छोड़ देंगे हम थोड़ा सा, ताकि ये फ्रीली मूव हो सकेगा अंदर, थोड़ा अच्छे से लगा लेंगे ऑयल ताकि ये फिर जल्दी से दिक्कत ना देगा हमें। ये कुछ ज़्यादा ही गंदा अगर हुआ होगा, जिससे आप बर्तन मांजते हैं उससे भी इसको एक बार अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, हमने वही ट्राई किया है, तब जाके ये जो चिकनाई था इसका, जो गाढ़ापन था वो कम हो चुका है। अभी फिर से हम इस पे ऑयल अप्लाई कर देंगे, इसको हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है ऑयल, और इसमें अभी इसको हम
प्रेस करने से एयर पकड़ता है और वो ऊपर फेंक देता है। इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये अभी बैठ गया है, अब लगा के देखते हैं अपना सेटअप। अभी ये लग चुका है, पहले ऐसा जितना भी ताकत लगा घूम तक नहीं रहा था, अभी थोड़ा सा फ्री हो चुका है अच्छे से। फिर ये देखिए ये घूम रहा है अच्छे से, और थोड़ा सा फ्री हो जाएगा ये, आप यूज जितना करेंगे उतना। ये तो लग चुका है अभी, अब इसको हम लगा देंगे इस टाइप का कुछ उठा के, यहाँ पे फिट हो जाएगा ये। ये इधर का हो गया कंप्लीट। ओके, ये लीजिए हो गया, पॉज कर रहा था। अभी हम अपना जो काम हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं वो चेक करते प्रैक्टिकली एक बार। परफेक्टली स्पिन हो रहा है, मतलब पहले बिल्कुल भी स्पिन नहीं हो रहा था। अभी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।